हेलो गाइस, तो आज का एक दिन आई थिंक इंटरेस्टिंग होगा। मतलब मेरी तो पूरी कोशिश इंटरेस्टिंग होगा, बाकी काफ़ी लेजी है मुझे पता है। पर आज करेंगे हम शॉपिंग। सीक्रेट है इसको बताना मत, पर मैंने एक इंटर्नशिप की थी जिसके थोड़े से पैसे मिले हैं। एग्जैक्ट अमाउंट नहीं बताऊंगा मैं, क्योंकि आप हंस दोगे। तो थोड़ी बहुत ही शॉपिंग करेंगे, इसलिए आज उसी का व्लॉग होगा मोस्टली। और बाकी थोड़ी सी रूम क्लीनिंग कर लेंगे हम, तो वो भी थोड़ा सा डाल देंगे। अभी मैं अभी उठा तो नहीं हूँ, काफ़ी देर का उठा हूँ, बट मैंने अभी तक चाय खाना कुछ नहीं खाया। तो अभी हम बनाएंगे चाय एंड साथ में कुछ न्यूट्री खाएंगे। मैं आपको बताऊँगा कि न्यूट्री मैं किस तरह से खाता हूँ। चलो, जैसे मैं सोच रहा था एडवांस ही बता दो कि मैं न्यूट्री में डालता क्या हूँ। तो कुल हल्का सा ये जिंजर गार्लिक पेस्ट, थोड़ा सा रेड सॉस, मैगी मसाला यूजली, बट मेरे पास ख़त्म हो गया और मैं लेके नहीं आया, तो इसके रिप्लेस करने के नमक और थोड़ी सी लाल मिर्च। वो कलर वाली है, नॉर्मल वाली है, मुझे नहीं पता। बाकी हल्दी से डालने का सोचा था, बट लाइक मुझे लगा वो कच्ची हल्दी, यू नो, तो मैंने वो नहीं डाला। तो अभी हम करते हैं शुरू। तो मैं फटाफट कर लेता हूँ। थोड़ी सी रेड सॉस, अपनी चिली सॉस है ये, बिल्कुल हल्का सा गाइस, बिल्कुल हल्का सा, मतलब इतना सा, नहीं तो स्मेल बहुत अजीब सी आती है। फिर अगर आपके पास बारबेक्यू सॉस है तो वो बहुत अच्छा लगेगा इसके साथ। बाकी मैंने ट्राई नहीं किया, ट्राई करके देख सकते हो। तो थोड़ा सा नमक, थोड़ी सी मिर्ची, चिली फ्लेक्स पड़े हो ना, वो काफ़ी अच्छा स्वाद देता है साथ में, ज़्यादा नहीं, बिल्कुल हल्का सा। इसमें प्याज वगैरह भी डाल सकते हो, पर मैं नहीं डाल रहा। मेरा हाथ जल गया थोड़ा सा। ओरिगानो है ये, आई थिंक ओरिगानो ही है, तो ये ओरिगानो थोड़ा सा डाल लेते हैं। फूल पत्ते इसके ऊपर। अभी हम कुलचा खाएंगे, थोड़ा सा पेट भरा हुआ है अभी, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले मैंने न्यूट्री खाई है, चाय पिया है। पर लेट्स ट्राई एनीवे। तो बारिश हो रही है हल्की हल्की, तो मैं बोर हो रहा था, क्योंकि शॉपिंग का आई थिंक 5 बजे के बाद ही जाऊंगा मैं, तो तब तक क्या करूं मैं। नीचे में बैठे बैठे बोर हो गया, फ़ोन चला चला के बोर हो गया, मतलब बोर तो नहीं हुआ फ़ोन चला चला के, पर वाईफाई नहीं चल रहा। एंड बारिश हो रही थी, मुझे अभी पता लगा, तो मैं सोचा कि थोड़ा मैं ऐसे घूम फिर भी लूँगा और आपको एक मस्त सा टाइम लैप्स दिखने को मिलेगा। क्योंकि इस फ़ोन का, मतलब फ़ोन का नहीं, आई थिंक हर फ़ोन का ये इशू हुआ कि ओवर हीट बहुत हो जाता है रिकॉर्डिंग में, क्योंकि इसका सेंसर काफ़ी तगड़ा होता है नॉर्मल फ़ोन से, तो ओवर हीट का इश्यू रहता है। पर अगर हल्की हल्की बारिश हो रही है तो फोन कूल रहेगा, क्योंकि इस पर पानी गिरता रहेगा। ओके, फेयर इंजॉय। तो ये बैग सेलेक्ट किया है कॉलेज के लिए, प्राइस 400 रुपीज़, लोकेशन डी मार्ट। बाकी सारे बाइक यहाँ पर हैं,
आई थिंक 50 रुपीज़ का एक ये लिया है, क्योंकि प्ले स्टेशन का जो रिमोट है उसको चार्ज करने के लिए ये माइक्रोवेव भी लगता है। तो या के लिए योगा मैट ले लिया, क्योंकि वो योगा करना चाहते हैं अच्छे से, तो मस्त। तो स्टोरेज कंपार्टमेंट कमी के कारण मुझे ऐसे घर जाना पड़ रहा है, मजबूरी, पर नाइट इज ऑसम। हाय गाइस, तो अभी बाइक वॉश करने का बेस्ट समय, लेट्स डू इट। गोरिल्ला पॉड भी हैंड हेल्ड से बहुत ऑकवर्डली लग रहा था, तो अब थोड़ा दूर से भी किया जा सकता है इजीली, एंड कहीं अगर लगा के टाइमलेस वगैरह लेना तो वो भी लिया जा सकता है, क्योंकि हर जगह तो मैं दूसरा वाला लंबा वाला ट्राइपॉड लेके जा नहीं सकता, तो ये इसलिए किया। ये 200 रुपीज़ का है। अभी हम ये रामबाग कह सकते हैं, वहाँ पर हूँ मैं, और ये यहाँ का नज़ारा। गया हूँ कंपनी गया, सॉरी यहाँ कंपनी गार्डन का इच सनसेट बहुत ऑसम हो रहा है। रोज गार्डन के पास में ये वाली शॉप, दो माजा कराया अभी मैंने, क्योंकि घूमते घूमते बहुत ज़्यादा वो लग रहा था प्याज, और गर्मियों में मीठा थोड़ा बहुत ही पी लेना चाहिए। अभी का सूरज चेक करो, सनसेट हो रहा है, इधर तो पूरा रेड दिख रहा है, मतलब कैमरा रियल में और डिस्प्ले वाला कैमरा से आ रहा है थोड़ा सही, तो ओके आप बस आ रहा है सही, मस्त हो रहा है मस्त। फिर आ गए हैं महादेव के दरबार में, मंदिर, शिवाला, पेड़। एक बहुत ज़रूरी चीज़ याद आई कि मेरे पास एक गोरिल्ला पॉड ऑलरेडी पड़ा है, तो हम उनको फिक्स करेंगे। चलो चलें, ये मेरे एक घर से दूसरे घर की तरफ जाते हैं। इधर अंधेरा है फिलहाल, बट ये रहा, आई डोंट नो उस टाइम कितने का था, और मेरे को लग रहा है कि सेम ही साइज़ के हैं, तो ये लगा के देखूँगा मैं, तो ये ले लेता हूँ अभी। आई डोंट नो मैं दिख रहा हूँ नहीं दिख रहा, बट ये न्यू वाला है एंड ये अभी उधर से लाया हूँ, ओल्ड वाला ये थोड़ा गंदा है, तो मैं फटाफट इसको धो के आया, धो चुका हूँ इसको, ज़्यादा भी नहीं गड़गड़ के रोया, बस ऊपर ऊपर से मिट्टी निकाल दी है, तो अभी इसको ये निकल जाते हैं आई थिंक, और फिर हम ये वाले को सेड़ देंगे, जैसे डबल द साइज हो जाएगा। ये क्या लग रहा है, ऊपर वाला भी निकल सकता है। ये ना सेम इस तरह का बाइक पे लगा हुआ है, तो उसको एक्सटेंड किया जा सकता है, वैसे वो एक्सपेरिमेंट बाद में करनी। चलो अभी इसको निकाल के रख लेते हैं, इसका पता नहीं क्या बट लेकिन इसको भी रख लेंगे अलग से हम, तो अभी दो निकल गए।
ये ज़्यादा मुश्किल है। ओके तो सेम ही है, चलो उसमें दूसरा लगा के देखते हैं। क्या सीन है ये? अभी कंपैरिजन ये आर्म लेंथ से, नाइस ना।